दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि यदि आपने फ्लिपकार्ट पर कोई भी आइटम ऑर्डर किए हैं और ऑर्डर करने के बाद दोस्तों वो आइटम जब भी आपको रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद दोस्तों यदि वो आइटम आपको डैमेज या फिर रॉन्ग आइटम मिलती है तो उस कंडीशन में आप किसी भी आइटम को रिटर्न कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको वापस कैसे भेज सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना, और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले यदि आपने फ्लिपकार्ट की जो ऐप है या फिर इसकी जो वेबसाइट है उसके अंदर लॉग इन नहीं किया तो सबसे पहले आपको लॉग इन करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे जो 3 लाइन दिख दे रही है हम इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे मिलता है माय ऑर्डर, आप देख सकते हैं हमें इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करना दोस्तों यहाँ पे वो सभी आइटम आपको दिखाई देती है जो कि आपने ऑर्डर की है। यदि अब यहाँ से कोई भी आइटम आप रिटर्न करना चाहते तो उस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है रिटर्न, आप देख सकते हैं यदि आप किसी भी आइटम को रिटर्न करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी एक रीजन सेलेक्ट करना है कि आप इस आइटम को रिटर्न क्यों करना चाहते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मेरे पास जो आइटम आई है वो फिलहाल उसकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी के बारे में लिखना चाहूँगा तो आइटम क्वालिटी इशू, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों मोर डिटेल के अंदर भी आप कुछ लेना चाहते तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लाऊ फैब्रिक क्वालिटी इशू तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं लिखना मटेरियल बेड है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेड मटेरियल, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इनका ऑप्शन दिया हुआ है आप रिफंड लेना चाहते तो आपको रिफंड पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप इसको बैंक में लेना चाहते तो आपको बैंक पे क्लिक। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करना है तो ऐड अकाउंट पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे मैं जो अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड करना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना जो अकाउंट है उसको डिटेल लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हमें यहाँ पे नीचे जो ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है हमें इस पर क्लिक करना है और उसको यहाँ पे हमें कंफर्म करना है। तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब यदि दोस्तों आप अपना रिटर्न लेना चाहते तो आपको यहाँ पे जो अकाउंट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एड्रेस भी एक बार कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यदि आप अपना रिफंड लेना चाहते तो आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। और सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना रिटर्न सक्सेसफुली इंस्टेंटली हो जाता है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि कब वो रिटर्न होने वाला है। और इससे पहले दोस्तों आपने जो भी आइटम रिटर्न की है वो सबसे पहले लेने आएंगे और उसके बाद दोस्तों लगभग 1 से 2 वीक के अंदर आपका जो पेमेंट है वो रिफंड आपके बैंक के अंदर आ जाता है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने से शेयर करना, और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।